मैनेजिंग द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूं। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संगठक डॉक्टर इब्राहिम सिंह सका सर। नमस्कार मैम। धन्यवाद वो करे यात्रा। क्या नाम है आपका? राजकुमारी शर्मा। मैं राजकुमारी शर्मा। कब से जुड़े हो आप डेरा से? 25 साल हो गए मैम। मैम 25 साल हो गए, कैसा माहौल देखा है? बहुत अच्छा माहौल देखा है हमने, हमारा जीवन बदल गया जब से हम जुड़े हैं सत्संग से। सतगुरु ने हमें इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है हमें, बस बता नहीं सकते। बहुत करिश्मे हैं हमारे साथ, मरते मरते बचाया है, बिल्कुल जो उजड़े हुए घर को बसाया है सतगुरु ने, बस भजन बंदगी करके। लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं? लड़कियां इतनी अच्छी हैं, तीन लड़कियां मेरी, तीनों बेटियां बहुत अच्छे घर में शादी हुई है, जबकि मैं एक बहुत गरीब घराने से थी पहले, लेकिन अब मेरे सतगुरु ने मेरा ऐसा हाथ पकड़ा, हम सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है सबको, और सतगुरु बहुत ही अच्छे हैं, किसी को भी दुख नहीं देना चाहते ना, वो दुख कोई हम दें किसी को तो वो पसंद नहीं करते बिल्कुल भी। संत जी ने समाज के लिए कुछ किया? संत जी ने समाज के लिए बहुत किया है, जो विधवा लड़की थी उनकी शादी करवाई है, किन्नरों को बहुत सहारा दिया है उन्होंने, और जो भ्रूण हत्या है उसको रोका है, शराब को रोका है, जो नशा करते थे लोग तंबाकू वगैरह का, गुटखे का, उसको रोका है। संत जी ने बहुत ज़्यादा सुधार किया है, हम संत जी के सहारे से ही सांस ले रहे हैं, आज उनका नाम लेकर ही सांस ले रहे हैं, और आखिरी दम तक हम उनका सांस, जब तक हमारा सांस रहेगा उनको हम नहीं भूलेंगे, और उनका नाम लेते रहेंगे, चाहे हमारे साथ कुछ भी कोई अत्याचार करे हम सहन नहीं कर पाएंगे, और हम अपने सतगुरु पर अडिग विश्वास रखेंगे। मैम संत जी पे आपने कहा इतना विश्वास है, आखिर कौन लोग हैं वो बदनाम करना चाहते हैं संत जी को? संत जी को वो बदनाम करना चाहते हैं जैसे जिनके गुटखे वगैरह की कारखाने फैक्ट्री रुकी हैं वो बदनाम करना चाहते हैं, जिनके शराब के ठेके बंद हुए हैं वो बदनाम करना चाहते हैं, जो लड़कियों को बेचते थे उनको रोका है पिताजी ने वो बदनाम करना चाहते हैं, यही कुछ लोग हैं। आज मैम समाज में संत जी की कितनी ज़रूरत है? संत जी की ही ज़रूरत है, आज किसी और की ज़रूरत ही नहीं है, परिवार में भी और समाज में भी। एक भगवान के नाम, अगर कोई भगवान है तो हमारे लिए संत जी हैं। सरकार से क्या अपील करोगे? सरकार हमारी अच्छा कुछ भी नहीं करती, कभी हमें देखो सहारा नहीं दिया सरकार ने, चाहे हमारे हालात कुछ भी रहे, लेकिन संत जी ने बिना कहे हमारे दुख दूर करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आपने देखा एक महिला का ये कहना है, लड़कियां यहाँ सुरक्षित हैं, उनकी भी बहन बेटियां हैं जो कि यहाँ पर आती हैं, इतने लंबे समय से जुड़ना, और साथ ही जो संत जी को बदनाम करने की मुहिम में जो शामिल है वो नशा जो चला रहे हैं और वैश्यावृत्ति के जो तहखाने चला के बैठे हैं, धंधे चला के बैठे हैं, वो लोग हैं। आप की कह रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत